सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिव्यू टाइम। और आज अमेजन प्राइम की तरफ से लेटेस्ट मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ, शेरनी। आपके तहजीबों और तमद्दुन में ये बात डालने की जरूरत नहीं होगी, विद्या बालन कितनी बेहतरीन अदाकारिका हैं और उनका काम कुछ ऐसा होता है जैसे सोने पे सुहागा। जैसे सिनेमा के सामने लाखों लोग भीड़ लगाए खड़े होते हैं बट उनमें से एक सितारा चमकता है, विद्या बालन कुछ उन्हीं में से हैं। अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले मूवी शेरनी की, तो मूवी शेरनी 18 तारीख को अमेजन प्राइम में, जून को अगर हम लोग बात कर ले शेरनी मूवी की, तो शेरनी मूवी 18 जून को अमेजन प्राइम वीडियोस पर रिलीज हो जाएगी। ऑब्वियसली बॉलीवुड मूवी है तो हिंदी में तो मिलेगी ही आपको देखने के लिए। साथ ही साथ मूवी लगभग 2 घंटे की होगी। एंड अगर हम लोग अब बात करें मूवी के प्लॉट क्या होने वाला है, तो मूवी का प्लॉट लगभग यही होने वाला है कि एक गाँव है, वहाँ पर एक जंगल है जहाँ पर बहुत सारे जो गाँव के लोग हैं वो अपने पेट्स को लेकर के जाते हैं, डोमेस्टिक पेट्स को लेकर के जाते हैं। वहाँ पर उनके पेट्स मर जाते हैं एंड उनको चारा वारा चरने के लिए छोड़ते हैं तो वो सब मर जाते हैं। अब यहाँ पर कोई शेरनी है जंगल में जो ये सब काम कर रही है। अब विद्या बालन जो कि असली शेरनी है, उनको फॉरेस्ट ऑफिसर हैं वो, क्योंकि तो उनको बुलाया गया है इस मसले को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे वो हमारी प्रोटैगनिस्ट हैं जिनके अराउंड स्टोरी होने वाली है, तो वो अब यहाँ पर जंगल में जाएंगी और खोजेंगी उस शेरनी को। अब जैसा कि ट्रेलर को देखकर लग रहा है, मूवी में पैट्रियार्की का और हायरार्की का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जाएगा। मैन ओन सोसाइटी, जहाँ पर एक लड़की हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करती है, हर चीज़ के लिए फाइट बैक करती है, क्योंकि जो शुरुआती सीन था उसमें ये चीज़ दिखाई जा रही थी। और उसके फैमिली में किस तरीके की हायरार्की डिवीज़न है, विद्या बालन के कैरेक्टर की, जो विद्या बालन का घर है वहाँ पर, वो सब हमको इस मूवी में दिखाया जाएगा। अगर हम लोग बात करें एक्टिंग परफॉर्मेंस की, जो भी ट्रेलर को देख करके सामने आई है, तो विद्या बालन वॉज किलिंग इट, लिटरली यार कमाल कर दिया विद्या जी ने। आगे अगर हम लोग BGM की बात करें तो BGM काफ़ी अच्छा था। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें सेट्स वगैरह की, तो काफ़ी रियलिस्टिक सेट्स थे, काफ़ी ज़्यादा रियलिज्म को ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देख करके सेट वगैरह की, काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच रखी गई है, जंगल को बहुत अच्छे से इन लोगों ने दिखाया है। एंड BGM वॉज ऑसम। अब हम लोग मूवी का वेट करते हैं। ट्रेलर को अगर रेटिंग देनी हो तो 3 out of 5 है। ट्रेलर में ऐसा कुछ बहुत बड़ा एक्सप्लोर नहीं किया है उन्होंने, या ऐसा बहुत बड़ी कोई ट्विस्ट नहीं दी है, जो कि अच्छी बात है। बट अभी हम मूवी के लिए उस लेवल का एक्साइटमेंट नहीं आया है। बट यस, आई एम एक्साइटेड फॉर विद्या बालन।